अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम उमैर मलिक है और आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी बेहतरीन डिवाइसेस के बारे में जो कि 2020 में बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली हैं। और साथ ही इस वीडियो में हम लोग शामिल करेंगे कुछ ऐसे भी डिवाइसेज को जो की हाल ही में अमेरिका में होने वाले CES एक्सपो में इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से आपको वेलकम करते हैं आपके इस पसंदीदा चैनल मेरटेक में, जहाँ मैं आप सभी दोस्तों के लिए टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लेकर आता हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस मेरिटेक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। लेवी इलेक्ट्रिक स्कूटर। दोस्तों आजकल इलेक्ट्रिक स्कूटर बहुत ही ज्यादा मार्केट में आ रहे हैं क्योंकि बढ़ते हुए पोल्यूशन और पेट्रोल के दामों को देखकर तो ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। दोस्तों अगर आपके दिमाग में भी कुछ ऐसा चल रहा है कि शॉर्ट डिस्टेंस में आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर इस्तेमाल करना चाहिए तो ये गैजेट खास तौर पर आप लोगों के लिए बनाया गया है। दोस्तों ये एक ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो की साइज में बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। अगर आप चाहें तो इसको फोल्ड करके कहीं भी लेकर जा सकते हैं। अगर बात की जाए इसकी टॉप स्पीड की तो 18 पर और की टॉप स्पीड आपको मिल जाती है। वहीं दोस्तों आप इसे 10 माइल की रेंज में इसे कहीं भी लेकर जा सकते हैं। और साथ ही दोस्तों इसका चार्जिंग टाइम बहुत ही कम रखा गया है, जैसे कि आप जहां चाहें इसे आसानी से चार्ज कर सकते हैं। ये सिर्फ 3 घंटों में रिचार्ज होकर पूरी राइड के लिए एक बार फिर से तैयार हो जाती है। वही दोस्तों इसके इंटरफेस को भी काफी इजिली रखा गया है जिसे कोई भी नॉर्मल इंसान इसे यूज कर सकता है। इसमें ऊपर की तरफ एक छोटी सी स्क्रीन लगी होती है जहाँ पर आप बैटरी और स्पीड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो अगर आपके दिमाग में भी ई बाइक लेने जैसा कुछ भी चल रहा है तो एक बार इस स्कूटर को ट्राई करके देख सकते हैं क्योंकि ये बजट में रहकर एक बेहतरीन क्वालिटी अवेलेबल कराता है। हैंडी कैन ओपनर। दोस्तों आजकल काफी सारा फूड आइटम टीन के कैंस में आने लगा है जिसकी वजह ये होती है कि ये प्लास्टिक से कहीं ज्यादा बेहतर और मजबूत होते हैं, लेकिन इन्हें खोलना आसान बात नहीं होती। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन के लिए आप ट्राई कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को जो कि खास करके इस तरीके के कैंस को ओपन करने के लिए बनाया गया है। दोस्तों ये एक ऐसा फुली ऑटोमेटेड कैन ओपनर होता है जिसे बस आपको इसके ऊपर लगाना होगा, जिसके बाद ये कैन पर खुद ब खुद रोटेट हो जाता है जिससे ये पूरा बॉक्स आसानी से ओपन हो जाएगा। साथ ही इस कैन ओपनर को इस तरह बनाया गया है कि आप इससे आसानी से बॉक्स को ओपन कर ही पाएंगे, साथ ही इसे रीयूज भी कर सकते हैं आप उस कैन को जरूरत पड़ने पर। दोस्तों यही नहीं, इसके ऑटोमेटेड होने की वजह से आपको इसे यूज करने में भी कोई मुश्किल नहीं होने वाली क्योंकि इसे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान रहेगा आपके लिए। जेनिनन S2 स्कूटर। दोस्तों अगर आपको स्विमिंग नहीं आती लेकिन फिर भी आप स्विमिंग करना चाहते हैं या फिर अंडर वाटर डाइविंग करना चाहते हैं तो ये गैजेट आपके लिए ज्यादा मददगार साबित हो सकता है। दोस्तों जिस तरीके से हम लोग रोड्स पर चलने के लिए स्कूटर और बाइक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी तरीके से ये गैजेट आपको पानी के अंदर जाने में मदद करेगा। यानी ये होता तो एक स्कूटर है, बस ये रोड पर नहीं बल्कि पानी के अंदर चलता है। अगर बात की जाए इसकी स्पेसिफिकेशन की तो यहाँ पर आपको एक हैंडल मिल जाएगा जिससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें एक पावरफुल मोटर लगी होती है जो कि इसे और भी ज्यादा हैवी ड्यूटी बनाती है और साथ ही आप इसकी सिंगल चार्जिंग पर लगभग 60 मिनट की ड्राइविंग का मजा ले सकते हैं। अगर बात की जाए इसकी टॉप स्पीड की तो यहां आपको 2.7 माइल पर आवर की टॉप स्पीड मिल जाती है, यानी इसकी मदद से आप 4.35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ड्राइविंग का मजा ले सकते हैं। इसके साथ आपको एक स्मार्ट ऐप कंट्रोल भी मिल जाता है जिसकी मदद से आप इसे कनेक्ट करके इसकी बैटरी वगैरह की भी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं और साथ ही इसकी राइडिंग की स्पीड वगैरह की सारी डिटेल्स इसके ऐप में देखने को मिल जाएंगी। अगर आप भी अंडर वाटर डाइविंग के शौकीन हैं तो एक बार इस गैजेट को ट्राई करके देख सकते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडियो। दोस्तों अगर आप सोशल मीडिया वगैरह पर अक्सर लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं या फिर बहुत सारी आप वीडियोज रिकॉर्ड करते हैं लाइव स्ट्रीम पर्पज के लिए तो ये गैजेट बहुत ही ज्यादा आपके लिए काम आने वाला है। दोस्तों ये एक लाइव स्ट्रीम कंट्रोलर है जिससे की आप मल्टीपल डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं और साथ ही साथ आप लाइव स्ट्रीमिंग करते वक्त भी काफी सारे इफेक्ट डाल सकते हैं जो कि और भी ज्यादा खूबसूरत बना देते हैं आपकी वीडियोस को। दोस्तों इस गैजेट की खास बात यह होती है कि ये रियल टाइम प्रोसेसिंग करता है, जैसे कि नॉइज कैंसलेशन या फिर वीडियो इनिशिएशन जैसे काफी सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आप डायरेक्ट अपनी लाइव स्ट्रीम पर अप्लाई कर सकते हैं। वहीं दोस्तों इस गैजेट में आप मल्टीपल डिवाइसेस को भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अलग अलग एंगल पर शूट हो रही वीडियोस को आप फ्रेम बदल कर अपनी लाइव स्ट्रीमिंग पर भी दिखा सकते हैं। तो दोस्तों ये गैजेट लाइव स्ट्रीमिंग पर्पस के लिए काफी ज्यादा मजेदार रहता है।
है जो कि आपके पर्सनल स्टूडियो की तरह काम करेगा और काफी ज्यादा बेहतरीन रहता है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो यूट्यूब या किसी और सोशल नेटवर्क पर लाइव स्ट्रीम करते हैं अपनी वीडियोस को। इंस्टा 360 1R। दोस्तों, अगर आप किसी एक्शन कैमरे की तलाश में हो जिसे आप अपने स्टैंड वगैरह को शूट कर सकें, ये कैमरा आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाला है क्योंकि इसकी खास बात ये होती है कि ये टच स्क्रीन इनबिल्ट होता है और साथ ही इस कैमरे को आप रोटेट भी करा सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। दोस्तों, इस कैमरे के सेंसर को डेचिबल बनाया गया है जिससे कि आप जब चाहें इसका इस्तेमाल एक सेल्फी कैमरे के तौर पर कर पाएंगे। और वहीं दोस्तों, इसका कैमरा बहुत ही पावरफुल और एक एक्शन कैमरा होता है जिसे आप आसानी से स्टंट वगैरह शूट कर सकते हैं। इसमें आपको स्लो मोशन और 4K जैसे फीचर्स दे रखे हैं जो कि आपकी वीडियो क्वालिटी को और भी ज्यादा बेहतरीन बना देंगे। लेकिन इसमें एडिशनल आपको 5.3K के भी ऑप्शन दे रखे हैं, यानी अगर आप चाहें तो 5.3K की वीडियो क्वालिटी को 30F पर भी शूट कर सकते हैं। अगर बात की जाए इस कैमरे की तो इसमें आपको 90MP का प्राइमरी सेंसर देखने को मिलता है जिसका सेंसर साइज 1 इंच का रहेगा और साथ ही इसमें आपको इनबिल्ट स्टेबलाइजेशन के फीचर्स भी दे रखे हैं जिससे कि किसी भी तरीके का मूवमेंट होने पर आपकी वीडियोस एकदम स्टेबलाइज शूट होगी। तो दोस्तों, इस तरीके का एक्शन कैमरा काफी ज्यादा मजेदार हो जाता है और साथ ही अगर आप चाहें तो इसमें वॉइस कंट्रोल के भी ऑप्शन दे रखे हैं, यानी कि वॉइस कमांड देकर भी इसे एक्सेस किया जा सकता है। तो दोस्तों, एक्शन कैमरे की इस फील्ड में इस तरीके का गैजेट बेहद रेवोल्यूशनरी साबित होगा। एरोक्स फिंगरप्रिंट यूलॉक। दोस्तों, अगर आप एक लॉक परचेज करने वाले हों तो Xiaomi का ये लॉक आपको बेहद पसंद आएगा क्योंकि जो ट्रेडिशनल लॉक होते हैं उनको ओपन करने के लिए आपको कीज की जरूरत होती है और आए दिन कीज इधर उधर खो जाती हैं जिनका कोई भरोसा नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आप चाहें तो यू लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि बायोमेट्रिक सिक्योरिटी पर काम करता है, यानी इसे ओपन करने के लिए आपको कीज की नहीं बल्कि अपने फिंगरप्रिंट की जरूरत होगी जिसकी मदद से आप आसानी से चीजों को अनलॉक कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगर बात की जाए इसके यूजर की तो आप इसे किसी भी तरीके से यूज कर पाएंगे, फिर वो चाहे गाड़ी को लॉक करना हो या फिर अपनी जरूरत के सामान को, इसे आप आसानी से किसी भी चीज के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे आप सेव रखना चाहते हो। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से इस गैजेट के लिए एक लाइक तो बनता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर किया करें और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर किया करें और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूला करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।